गुड मॉर्निंग दोस्तों, केम छो दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुबोध फिर से हाजिर हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज अपन है दौसा के सूरजपुरा गांव में। तो सूरजपुरा गांव में आने का मतलब यह था कि हमारे अजीज मित्र ओम प्रकाश जी मीणा है तो उनका गांव था। कि आपको बताऊँ, कल हमने जयपुर घूमा तो मैंने सोचा यार कुछ गाँव का कल्चर वगैरह भी आपको मैं दिखाऊँ कि गाँव में क्या कल्चर रहता है, लोग क्या क्या खाते हैं, क्या इनके दैनिक दिनचर्याएँ हैं। आइए दिखाता हूँ आपको आगे की तरफ। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे खेत खूब सारे देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए और ये देखिए, ये देखिए, ये खेत है दूर दूर तक। और अपन फसल की बात करें तो यहाँ पर चना बोया हुआ है, गेहूँ है ये देखिए। और जस्ट आप सामने देख पा रहे होंगे, देखिए अरावली पर्वतमाला है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए और ये। और दोस्तों मैं अब आगे की अपन बात करें तो देखिए, अपन फिर से अपन चलते हैं नीचे का, आपको नीचे का भी दिखाता हूँ नीचे क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अब चल रहे हैं अपन नीचे की तरफ, नीचे का आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आइए मेरे साथ और अपन सीढ़ियों से नीचे चल रहे हैं। देखिए और ये मेरे मित्र ओम प्रकाश जी मीणा का घर है। देखिए नीचे का, ये देखिए आपको मैं दिखाऊँ। और अपन मैं यहाँ के कल्चर वगैरह भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा नीचे ये, तो मैंने तो ऐसी चीज़ें नहीं देखी, काफ़ी लोग देखे भी होंगे। देखिए ये मशीन है, देखिए ये घास काटने के काम आती है। देखिए थोड़ा सा मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ। देखिए और ये भैंसों को रखने का तबेला है, बहुत ही अजीब तरीके से बनाया हुआ है। देखिए कैसे पत्थर को पत्थर पर रख के, देखिए। और ये दोस्तों काफ़ी लोग जानते भी, देखिए ये थेपड़ी बोलते हैं इसको। देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए। और हाँ हाँ आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ये सुबह जब ठंड होती है, देखिए यहाँ पे आग जलाई थी हम लोग, ये काफ़ी इंजॉय किया था यहाँ पे। और ये हमारी पूरी बच्चा पार्टी, और आपको मैं आगे की तरफ दिखाऊंगा। देखिए ये डोगी है अरे ओम जी, इनका आपके इसका पिल्ली का क्या नाम है इसका? इसका नाम आज मैंने इसका नाम शेरू रखा है। देखिए दोस्तों ये शेरू है, देखिए। और ये मित्रों मैं आपको आगे की तरफ बताऊँ, ये देखिए ओम जी का एक जो कुत्ता रखते हैं, इनका इसका नाम शेरू है। देखिए आराम कर रहे हैं, देखिए। और ये देखिए सामने की तरफ ये मिली है, और ये मिली की मम्मा, ये देखो। और ये इसका नाम है गोरी, ये देखिए गोरी है। हेलो मैं बोल के बताऊँ, मैं ये देखिए। और ये अपनी गौ माता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे। देखिए और ये ओम प्रकाश जी मीणा के घर का पूरा है, देखिए। और मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखाता हूँ, देखिए शायद गाय थोड़ी चमक रही है। देखिए बाहर का मैं दिखाऊंगा, देखिए ये गांव का ट्यूबवेल वगैरह, यहाँ से पानी वगैरह आता है। देखिए और ये खेती हो रही है, देखिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये देखिए अपने पेड़ की बात करें, शायद कीकर है शायद, देखिए। और ये बाहर का तो दिखाऊँ, ये देखिए ये नज़ारा दोस्तों गाँव का, ये नज़ारा ओनली दोस्तों गाँव में मिलेगा और कहीं नहीं है। देखिए और अपन थोड़ा सा और आगे भी तरफ देखते हैं इन गाँव में क्या क्या फसल हो रखी है, क्या क्या खेती है। और आपको मैं आगे की तरफ चलते हैं, देखिए। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए बच्चे हैं अपने मित्र लोग हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। और आपको मैं बताऊं, ये देखिए ये जो ट्रैक्टर है इस पे अपन सवारी करने वाले हैं, क्योंकि ओम जी का जो गांव सूरजपुरा है तो 2 से 3 किलोमीटर है। तो अपनी जो बस है इसके पर जाएंगे बैठ के, देखिए फुल व्यवस्था हो गई है। देखिए देखिए और इनके मंदिर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, इनके सरसों के खेत में वगैरह चलते हैं आगे की तरफ। आइए मेरे साथ, वीडियो में बने रहिए। ये आगे की तरफ देखो, ये सावी में रत्नी मैडम में कंपटीशन चल रहा है फोटो खींचने का बच्चों में। ये देखिए मैम, ये मनीषा मैम, देखिए ट्रैक्टर शायद चलाना आता है कि नहीं आता, फोटो पोज दे देखिए। और ये बबीता देखो पता नहीं क्या कर रही है। हेलो गाइस, मैं फोटो खींच रही हूँ। आप फोटोग्राफर हो क्या? हाँ। और आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये इनका कुत्ता है शेरू, थोड़ा
थोड़ा सा और मैं आगे को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई साहब बैठे हैं, कैसे हो? ये दोस्तों मैं आपको बताऊँ, देखिए चूल्हा है, देखिए डबल प्रकार का चूल्हा, मैंने तो नहीं देखा है, देखिए आप। और ये इनको गाय भैंस को रखते हैं, देखिए ये देखिए। और अब चलने वाले अपन खेतों की तरफ, आइए मेरे साथ। दोस्तों मैं आपको बताऊं, काफी दूर घूमने के बाद हमारे ट्रैक्टर का ड्राइवर नहीं मिला, लास्ट में ड्राइवर मिल गए हैं, देखिए आप ये देखिए, ये देखिए रत्नी मैडम, ड्राइवर मिल गए अपने। मैडम खेच तो के काम आप? अच्छा खेत का काम सर्विस किया ना, इसके साथ साथ में हमने खेत का काम भी किया, और अब रिटायर हो गई हूँ तो मैंने खेत का काम बहुत किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बताऊं, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए। अब चलते हैं खेतों की तरफ फिर से, देखिए दोस्तों मैं आपको आगे तरफ बताऊं, ये देखिए राजस्थानी परंपरा है, आए हुए मेहमान की देखिए मैडम क्या पता नहीं उपहार दे रहे हैं, देखिए ये देखिए बहुत अच्छी। अपनी पैकिंग हो गई यार, बच्चे देखो बिल्कुल रेडी है, देखिए क्या ठहरा कर रहे हो तुम लोग, कुछ गा। अरे सुनो आप है ना, अरे सुनो सुनो गीत गा के सुनाओ अपने, इनको भी सुनाओ अपने गीत कैसे होते हैं, चूरू चूल्हे के सिखाओ तेरे गीत सुनाओ बेटा, गा बेटा करो तो। अरे बाप लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए, मारो गोर बंद नहराड़ो, आली जा मारो गोर बंद नहराड़ो, मान के यार बात निराली है, अलवे अलवे ला घूमर दोस्तों। अपन बिल्कुल रेडी हो गए, ट्रैक्टर चालू हो गया, बाय सर, बाय बाय बाय। अरे अरे सर अपने आप अपनी मिली कर इनका बिल्कुल ध्यान रखना, बाय 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 बाय। मैडम मैडम बाय, एक चला के नहीं दिखाया पेड़ का जाना, ये धूप है देखिए बिल्कुल, बच्चों के साथ आनंद है देखिए, बहुत मजा आ रहा है हमें है। और दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ, ये खेत है अपना, ये ट्रैक्टर बिल्कुल चालू हो गया, देखिए ये देखिए ये देखिए, सोनू नीचे मत झुको, घेरो अभी तो अपने गांव की तरफ चल रही है, टक 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 टक। ये ओम जी सर, बाय बाय सर। दोस्तों मैं आपको बता, बच्चों ने बाय बाय कर दिया है, और अपन ये देखिए सरसों के शांत, ये देखिए, और ये चना की खेती हो रखी शायद, अभी पक्का नहीं है, टाइम लगेगा। और ये यहाँ नींबू के पौधे हैं, और नींबू के पौधे की बात करें देशी नींबू, ये देखिए रास्ता यहाँ का, ये देखिए देखिए दोस्तों कैसे आते हैं लोग, ये देखिए नीचे देखिए कांटे वगैरह, चलो ये देखिए, चुप ये क्यों कर रहे हो पागल, देखिए कांटे वगैरह है, देखिए और चलते फिर से आगे की तरफ, ये देखिए पूरा शोर मच रहा है, देखिए और ट्रैक्टर चल रहा है, देखिए ये देखिए आपके वीडियो में पीछे भी आए करो सारे। दोस्तों ये जो आपको मैं गांव का जो अद्भुत जो नजारा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, पूरा देसी कल्चर है यहाँ पर, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ओम जी सर का घर अपने देखा है, बच्चों आपको कैसा लगा सर का घर?
हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे और उनका खाना सबसे बेस्ट था क्योंकि वो राजस्थानी खाना था, दाल बाटी चूरमा, बहुत टेस्टी खाना था वो। नहीं आपने कभी पहले दाल बाटी चूरमा खाया? नहीं आज फर्स्ट बार खाया था, सॉरी कल रात को, और बहुत टेस्टी लगा। हमें मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और उन्होंने अमित सर ने हमारे साथ पैकिंग भी किया और हमें दिया भी है, मतलब हमारे घर के लिए। मतलब आप रास्ते में भी चपने वाले हो? थोड़ा नहीं है ना? नहीं कहने का मतलब आपने फुल राशन लिया है? एकदम फुल राशन। मैं आपको दोस्तों आगे की तरफ ये देखिए, अपन ट्रैक्टर के मैं आगे की तरफ चलता हूँ एक बार। दोस्तों आगे की तरफ ये देखिए, यहाँ का जो रहते हैं लोग कैसे रहते हैं, देखिए आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। देखिए ये देखिए और ये देखिए लोगों का कैसा पहनावा है, इनका देखिए घर वगैरह देखिए, बिल्कुल आप देखिए। और ये खेत देखिए, ये अपन बिल्कुल ट्रैक्टर रुक चुका है। ये देखिए माता जी है, देखिए हेलो, देखिए बिल्कुल मजा आ गया। दोस्तों आपको बताऊँ, ये सामने आपको फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए अरावली पर्वतमाला है। और सबसे फिर से दोस्तों आगे की तरफ को दिखाता हूँ, देखिए ये सभी बिल्कुल रेडी है। सर कह रहे थे सर, अरे सर कहाँ गए? जब कह रहे सर यहाँ चढ़ गए। देखो देखो सर, आसान बोलो चले फिर से आगे की तरफ भी देखने के। दोस्तों आपको मैं ये दिखाऊं, हाँ ये देखिए यहाँ के ये घर वगैरह है देखिए। और दोस्तों अपने ओम प्रकाश जो मीना जी का गांव था बिल्कुल दिखाया है। और चल मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, देखिए अपनी बस बिल्कुल रेडी हो गई है देखिए, और ये बच्चे वगैरह है। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा एंड लव यू।